गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमें मंडे के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो बहुत ही शॉर्ट और इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हमने जो है एंजल वन ऐप में लॉगिन कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमें होम पे आना है। जैसे ही हम यहाँ पे होम पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप इंस्टा ट्रेड का एक फीचर देख रहे होंगे, उस पर हमें टैप करना है। जैसे हम उस पर टैप करेंगे, हमारे सामने जो है निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा। ये जो आप चार्ट देख रहे हो, हमने इसको वन डे टाइम फ्रेम में सेट कर लिया है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं 18,250 के लेवल पे आने के बाद में हमें यहां से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वाला जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम आउट करके आपको बताना चाहूंगा। इसी लेवल पे आने के बाद में हमें पहले भी जो है रिजेक्शन देखने को मिल चुके थे, तो आज की कैंडल जो है हमें फिर से इसी लेवल पे आने के बाद में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 185 पॉइंट जो है निफ्टी नीचे के लेवल पे हमें आज के दिन में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी इस रेजिस्टेंस के चलते और आज के रिजेक्शन के चलते जो है हमें यहां से और भी थोड़ी सी गिरावट कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करेंगे तो 1800 से लेके 1820 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। अगर से यहां से हमें जो है फिर से ये लेवल नीचे का और टूटता हुआ दिखाई देता है, मतलब कि ब्रेक हो जाता है, तो और भी हमें यहां पे गिरावट देखने को मिल सकती है। और यहां पे 18,250 का भी लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो और भी तेजी हमें वहां पे देखने को मिल सकती है। तो इंस्टाडेड फीचर आप यूज करके जो है यहां पे डायरेक्टली बाय कॉल बाय पुट भी कर सकते हो। तो अगर से आपको लगता है कि यहां से ऊपर जाने वाला है तो बाय कॉल पे हम टैप करेंगे। यहां पे टैप करने के बाद यहां पे कंटिन्यू पे टच करना है। जैसे ही आप यहां पे कंटिन्यू पे टच करेंगे, यहां पे देखिए कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। और नीचे के साइड में कैरी फॉरवर्ड यानी कि पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कैरी फॉरवर्ड यानी कि अगर आप बाय करके ओवरनाइट के लिए होल्ड करना चाहते हो आप कैरी फॉरवर्ड में करेंगे, सेम डे बाय सेम डे सेल करना चाहते हो आप इंट्राडे में करेंगे। तो यहां पे अभी देखिए नीचे के साइड में आपको जो है एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, उससे में हम जो है वहां पे क्वांटिटी एंटर करेंगे। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो इसका जो है 50 मतलब कि वन लॉट साइज जो है 50 का है, तो यहाँ पे हम वन एंटर करेंगे। तो नीचे के साइड में आप देख सकते हो लिमिट और मार्केट का ऑप्शन दिया है। लिमिट यानी कि आप अपने मनपसंद प्राइस पे खरीद सकते हो, जैसे कि इसकी प्राइस चल रही है 83। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं ATP तो यहाँ पे आप 80 एंटर करेंगे। जब भी इसकी प्राइस यहाँ पे आ जाएगी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मार्केट रेट क्या होता है, मार्केट रेट यानी कि जो भी इसकी करंट प्राइस चल रही होती है उसी पे डायरेक्टली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो सिंपली हमें बाय पे टच करना है। बाय पे टच करने के बाद कन्फर्म आ जाएगा। कन्फर्म पे टच करने के बाद हमारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको यहां से बैक करके बताना चाहता हूं। अभी देखिए यहां पे आपको बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा होगा। बैंक निफ्टी पे जैसे ही हम टैप करेंगे यहां पे हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों हमने पहले से ही लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं यहाँ पे। ये टाइम फ्रेम जो है वन डे टाइम फ्रेम है। अभी देखिए यहाँ पे हमें ब्रेकआउट तो देखने को मिल चुका था। 43,350 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। इसी लेवल पे आने के बाद पहले भी हमें रिजेक्शन देखने को मिले थे। कल के दिन ब्रेकआउट तो देखने को मिला, लेकिन फिर से इसी लेवल पे आज के दिन में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स से भी ज़्यादा आज के दिन में बैंक निफ्टी नीचे के लेवल पे हमें कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो गिरावट है इसके चलते थोड़ी सी हमें कंटिन्यू होते हुए भी दिखाई दे सकती है। मंडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग होते हुए भी दिखाई दे सकती है। तो देखिए दोस्तों अभी तो फिलहाल में ये वाले इंपॉर्टेंट लेवल आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए। इंस्टाडेट का फीचर आप यूज़ करके डायरेक्टली यहीं से इसी पेज से जो है यहाँ पे आप जो है बाय कॉल बाय पुट कर सकते हो। जैसे कि हमें लगता है यहाँ पे ये नीचे जाने वाला है तो बाय पुट भी हम कर सकते हैं। बाय पे हम यहाँ पे बाय पुट पे टच करेंगे। टच करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। कंटिन्यू पे हमें टच करना है। अगर आप बाय करके होल्ड करना चाहते हैं ओवरनाइट के लिए तो कैरी फॉरवर्ड में करेंगे, सेम डे बाय सेम डे सेल करना चाहते हो आप इंट्रा डे में करेंगे। लॉट साइज यहाँ पे वन एंटर करेंगे हम। 25 का इसका बैंक निफ्टी का रहता है, निफ्टी का 50 का रहता है। तो यहाँ पे हमें लिमिट और मार्केट का ऑप्शन दिया है। लिमिट यानी कि आप अपने मनपसंद प्राइस पर खरीद सकते हो। जैसे कि इसकी प्राइस चल रही है 234.95। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं 230 पे तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। जब भी इसकी प्राइस यहाँ पे आ जाएगी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मार्केट रेट भी क्या होता है, मार्केट रेट यानी कि जो भी इसकी करंट प्राइस चल रही होती है उसी पर डायरेक्टली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंपली हमें बाय पे टच करना है। बाय पे टच करने के बाद कन्फर्म आ जाएगा। कन्फर्म पे टच करने के बाद हमारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस रहेगी इंट्रा डे के लिए भी। तो दोस्तों ये जो वीडियो बनाई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में फ्यूचर ऑप्शंस में एंट्री का प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही उसमें एंट्री बनाएं। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक का यूज करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।